بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله हसनत जमी वही सल्लू अलैहि वालिहि बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर मिन्हास। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र करम के फ़ज़ल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार फिर हमें माह सियाम की ये साथें देखना नसीब फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह सियाम के इस अशरे के अंदर मगफ़िरत ज़्यादा से ज़्यादा अब रब करीम के हाँ जो है वो दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी मगफिरत करवाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इस महीने के अंदर रब्बे करीम अपने रहम के साथ नाजिल होता है, अपने करम के साथ, अपने फजल के साथ रब्बे करीम पुकारता है, कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला है, कोई मुझसे तोबा तलब करने वाला है, कोई मुझसे रिस्क तलब करने वाला है, कोई मुझसे इज्जत मांगने वाला है, कोई मुझसे राहत मांगने वाला है, कोई मुझसे इल्म मांगने वाला है, कोई मुझसे ईमान की दौलत मांगने वाला। रब्बे करीम इस महीने के अंदर अपनी शान और मकाम के पूरे मायार के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने बंदों पर करम फरमाता है। आज की इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के आतबिजना से किया जाता है। तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कारी ग़ुलाम यासीन चिश्ती साहब से कि वो आज की इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار ما شاء الله وخلق الجان من مارج وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ
الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ما شاء الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کاری غلام یاسین چشتی. تلاوت قرآن مجید فرقان امید سے آج کی اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. میں گدا ہوں درے مصطفیٰ کا, میں گدا ہوں درے مصطفیٰ کا, صدقہ دے مولا خیر الورا کا. تیرے حبیب کی شان عالی, کیا شان حبیب خدا کا. جبرائیل بھی لیتے ہیں بوسے, کیا کہنا میرے مرتضیٰ کا. صبح و شام نثار لیے جا, سہنا نام صلی علیٰ کا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب عالیان رضا قادری سے کہ وہ بارگاہ رسالت کے اندر ہدیۂ نعت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس سورت نو شان کا جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. لم یا تی نظیرو کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا,
जगरा जे को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना माशाल्लाह अल बहर वाला माशाल्लाह आलियान रज़ा कादरी नातरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत के अंदर पेश फरमा रहे थे। सूफ टीवी के तमाम नाज़रीन जो कि हमारी लाइव नशरियात को पसंद करते हैं और ऐसे जो हमारे देखने वाले जो सुनने वाले हैं जो इस लाइव नशरियात के अंदर शिरकत करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर राबता करके आप अपना कोई क्लिप आप किरात की सूरत के अंदर नात की सूरत के अंदर आप भेज कर आप हमें जो है इस
लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन की शिरकत के लिए आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं मेरी नात कैसी है, मेरी तिलावत कैसी है, तो फिर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आमिर तहामी, वो आप से रब्ता करके आपको इस लाइव नशरियात के अंदर सूफीवी की जो बरकत रमज़ान नशरियात है उसके अंदर आप शिरकत कर सकेंगे। तो वो तमाम अहबाब जो सूफ टीवी को देखना चाहते हैं, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के ऊपर आप जो है आप हमें लाइव हमारी ये नशरियात देख सकते हैं शाम 5 बजे के बाद। तो हर रोज़ बुनियादी तौर पर 5 बजे के बाद जो है वो हमारी बरकती रमज़ान ट्रांसमिशन का जो होता है आगाज़ हो जाता है। तो आज की इस बरकती रमज़ान ट्रांसमिशन में वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, टेक अ ब्रेक। सेगमेंट जो है इसमें आज चूंकि अशराए मगफरत है और मगफरत के हवाले से ही आज मेरा दिल चाह के बात की जाए, और आज एक बार फिर हमें अलामा सैयद अली अहमद शाह साहब यूसवी जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अलामा साहब आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरे आज के जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अमानत अली शाकिर, हमारे साथ पहले भी जो है वो ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं, और आज ये भी हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। और खसूसी तौर पर कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब इनकी गुफ्तगू को बहुत पसंद किया और उन्होंने कहा कि आप उनको एक बार फिर जो है दोबारा अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं। तो आज फिर एक दफ़ा वो हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनके साथ भी बातें करेंगे। अलामा साहब, अशराए मगफरत बड़ी तेज़ी से रमज़ान है, चंद अयाम जो हैं वो रहते हैं, अशराए मगफरत को कैसे गुजारा जाए, मगफरत जो है वो कैसे तलब करनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी खातमुन नबिय्यीन। मैं न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और सोफ टीवी का, अल्लाह ताला इनको दिन रात तरक्की अता फरमाए, डॉक्टर साहब फिर तशरीफ लाए, इनके मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह इनको भी तरक्की अता। कैसा हुस्न इत्तेफाक है, आप के साथ ही फिर? जी जी, हमारे साथ ही, जब इन्होंने आना होता तब मैं भी आ जाता, ये आपकी मोहब्बत है, हम दोनों को बुला देते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान अज़ीम फरमाता है सारियों इला मगफिरा, कि मेरी बख्शिश और मगफिरत की तरफ दौड़ो, उसकी तरफ दौड़ लगो, मतलब ये कि स्लो नहीं आना, दौड़ के आना। और इस पर मैं हदीस कुदसी सुनाता हूँ, नबी करीम रफ़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में ना एक बलिश्त आता है, अल्लाह उसके पास एक हाथ आता है, वो एक हाथ आता है अल्लाह 10 हाथ आता है, वो एक कदम आता है अल्लाह 10 कदम चल के आता है, वो चल के आता है अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए दौड़ के आता है, अगर वो दौड़ के आए अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें अपनी रहमत में छुपा दूंगा, उसकी रहमत हर वक्त मुंतजर है। कब बंदा मुझसे बेसिकली मैं आपको मगफरत के वाले से एक दो बातें करना चाहता हूँ, ये जो है ना मगफरत गफूर, जिस जगह भी अल्लाह ने फरमाया इसमें मगफरत में 3 लफ्ज है, गाफ़ और रा, इसको हम कहते हैं मादा अरबी में, रूफ असली क्या है, रूट वर्ड्स क्या है, ये रूट वर्ड्स है, यानी गाफ है, ऐन, गा, ऐन, फा और रा, इसका मतलब होता है छुपाना। ठीक, जब अशरा मगफरत की बात होगी, पहला अशरा तो रहमत है, दूसरा मगफरत, तीसरा जहन्नम से आजादी, अफ, यानी अल्लाह माफ फरमा देता है, अफ में ये है कि अल्लाह गुनाह किए अल्लाह ने माफ फरमा दिया, मगफरत में ये है गुनाह किए हैं अल्लाह ने पर्दापोशी फरमा दी और साथ साथ माफ भी फरमा दिया, इसमें 2 बातें ऐड हो गई, और रहमत में अल्लाह ने गुनाह भी माफ फरमा दिए और अपने इस माफ फरमाने के बदले जन्नत में भी दे दी, ये उसकी शान है। तो मगफिरत ये गा, गैन, फा और रा, इसका मतलब तो छुपाना। ये अब ये सवाल आप कर सकते हैं, मगफिरत मिलती किसको है? जो रहमत पूरी अल्लाह की लूट के आयो मगफिरत मिलती है उसको, ये नहीं कि 10 दिन सोया रहा, और 11वें दिन आ गया, नहीं नहीं बाबा, पहले जो 10 दिन तरावियां पूरी पड़े, 10 रोजे पूरे रखे, अल्लाह फरमाता हाँ अब आप तो मेरे पास रहमत लूट के आया है, मगफरत से भी हिस्सा ले ले, क्या बात है। दूसरी बात, मगफरत तेरा हिस्सा है। अब दूसरे सवाल आप ये कर सकते हैं, अच्छा अब ये आ चुके है क्या इसको नहीं मिलेगी, अब ये आ गया इसको भी मिल जाएगी, क्या बात, अल्लाह फरमाता चलो ठीक है, खैर है, तूने गफलत कर ली है, अब तू आ गया है, मुझसे मांग ली है,
रहमत तो मिल नहीं सकी तुम्हें, जिसने रोजे रखे तो खुश नसीब है, तरावियां पूरी 20 पढ़ी खुश नसीब है, और जो जिसने पढ़ी नहीं है, जिसने रोजे नहीं रखे, अब आ गया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह फरमाता चलो आ ही गया है, अब मैं तुम्हें फिर माफ फरमा देता हूँ। तो मगफिरत का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और अफवे में अदम मुआवजा होता है, और जहाँ मगफिरत की बात आ जाए वहाँ अदम मुआवजा भी होगा, साथ पर्दापोशी भी होगा। अच्छा, अदम मुआवजा जो है इसके बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बताना चाहिए, कुछ ऐसे हमारे देखने वाले होते हैं जो अदम इस हवाले से, मतलब मैं इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदम कहते हैं, अदम मुआवजा कहते हैं पकड़ने को, अदम ना करना यानी मुआवजा ना करना। अब गुनाह हुआ हमने, मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी को किसी की दिल आजारी कर दी, किसी के दिल दुखा दी, कोई ऐसा जुमला बोला मुंह से अगले को पसंद नहीं आया, उसका दिल दुख गया बेचारे का, अभी ये गुनाह, तो इस पे होता है मुआखजा, अल्लाह करे मुआखजा, और अल्लाह ना करे तो इसे कहते अदम मुआखजा, यानी अदम उसकी गैर मौजूदगी, नोथिंग में, यानी ये ना करने के लिहाज से आता है। तो अल्लाह चाहे तो मुआखजा फरमा ले, चाहे ना फरमाए। मैं डॉक्टर साहब हम बैठे हुए थे तो एक बातचीत हो रही थी, इसका दिल दुखाया है ना, पहले उससे माफी मांगे, फिर अल्लाह की बारगाह में आए। एक होता है हुकूकुल्ला, एक है हुकूकुल इबाद। जो हुकूकुल्ला है वो अल्लाह के जात के साथ रिलेटेड है, जो हुकूकुल इबाद है वो हमारी सोसाइटी के साथ, पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेड है। जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफी है, ठीक हो, फिर अल्लाह की बारगाह में आके मांगना है, फिर अल्लाह माफ करने वाला है। हाँ, आपने नमाज छोड़ी, गुनाह है, छोड़नी नहीं चाहिए, फर्ज है, कभी छूट गई अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह माफ फरमा दे, ये हुकूक अल्लाह का। रोजा रखना फर्ज है, सही, नहीं रखा गुनाह है, गुनाहगार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने रमजान का एक रोजा जानबूझ के छोड़ा, वो पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे, उसको रमजान वाला सवाब नहीं मिल सकता। सवाब तो मिलेगा, मगर जो रमजान में रोजे का सवाब है वो नहीं मिल सकता। अब रोजा छोड़ा अल्लाह का फरीज है ना, हुकूक अल्लाह है, अल्लाह से माफी मांगेगा अल्लाह माफ फरमा देगा, मगर हुकूकुल इबाद में ऐसा नहीं होगा। पहले जिस बंदे के दिल आजारी की, पहले उससे माफी मांगनी पड़ेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में आना पड़ेगा। यहाँ पर एक मुझे बात बताएं कि एक शख्स है जिसकी मतलब दिल आजारी की गई, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहा, अब वो बंदा जिसने दिल आजारी की है वो उसकी ख्वाहिश है कि यार मैं उस बंदे से जो है माफी तलब कर लूं, मैं उसे उसको उसे माफी मांगू, लेकिन अब वो शख्स मौजूद रहेंगे, अब इसके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है? मौजूद नहीं मतलब कि इस दुनिया से चला गया, या वो दुनिया से चला गया, दुनिया से चला गया, या वो दूर है, उसका उसके साथ राबता नहीं है, मतलब उसकी आंखों से ओझल है वो, तो इस बारे में मतलब शरीयत क्या हुक्म देती है? इसमें दो बातें, नंबर एक, अगर वो मौजूद है दुनिया में यानी कि उससे नहीं मिल पा रहा, तो कोई ऐसे जरिए जैसे हमारे पास सोर्सेज होते हैं, सोशल मीडिया हमारे पास है, उसके दोस्त अभाव में कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा तरीका क्रिएट करे ताकि उस तक रसाई हो जाए, उससे माफी मांग ले। नंबर दो, अब वो इस दुनिया से चला गया, उसका तो मामला भी खत्म हो गया, वो अल्लाह की बारगाह में चला गया, उसका ये है उसके लिए इसाले सवाब करता है, ठीक, इसाले सवाब करे, जब दुआ मांगे या अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, ये मामला है। कभी कभी उसके मिजाज पे चला जाए, या अल्लाह मैं आ गया हूँ, इसकी दिल आजारी की, अल्लाह तू माफ कर दे, माफी तो उससे मांग दी ना, माफ तो उसने करना है, तो इसाले सवाब करता रहे, नेकियां अपनी भेजता रहे, उसके लिए नवाफिल पढ़ता रहे, उसके लिए कुरान पढ़ के भेजता रहे, ये उसके साथ उसने सलूक है, ठीक। अब ये करना सबसे पहले बेहतर है, नहीं तो उसके वरसा जो है उससे कह दे कि मैंने किया था, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, इस बदले हुकूकुल्ला में ये आएगा, पहले तो अब वो चला गया है, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। दूसरा उसने सलूक उसके साथ अब ये है कि उसके लिए साले सवाब करता है, साले सवाब जो है ये बेहतर भी है, मतलब उससे माफी तलब करने के लिए, उससे माफी तलब करने बेहतरीन तरीका ये है, उससे माफी तलब करने के लिए साले सवाब करे, नेकियां भेजे ताकि वो खुश होए, उसकी रूह, जब उसकी रूह उस पे खुश होगी ऐसा कि वो राजी होगी इस पे, इसने माफी उससे मांग ली, फिर अल्लाह की बारगाह में जाना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात बताएं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे जैसे निकम्मे नकारा जो है, वो इस आस के ऊपर होते हैं कि यार बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में रब से माफ़ी तलब, रब जो है बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, वो जो कल की बात होती है, कल पे डालना भी होता है, इस चीज़ को लेकर जो है वो काम किए जा रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे, माफ़रत नहीं तलब कर रहे, ऐसे लोगों के बारे में क्या मतलब हुक्म है? ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात करूँगा, कल किसने देखी है? अल्लाह माफ करने वाला है, तस्वीर क्या है कि रुख तो देख लिया, वो गफूर रहीम है, वो रहमान है,
लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए, वो जब्बार और कहार भी है ना, अगर मौका ना मिला तो क्या करेंगे, आज सो गए किसको क्या पता सुबह देखने की नहीं, अभी रस्ते में आ रहे हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह सबको जिंदगी दे कुछ हादसा हो जाए, किसको क्या पता है। हमारे यहाँ कितने हादसे हो गए, पिछले दिन गुजरा हादसा, उसको डोर फ्री गले में, किसको पता है कि वो घर जाना ही नहीं जाना। तो अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहे, अल्लाह से माफी मांगते रहे, याद अपने जुमान में रखना। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन कहूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, जब भी सफर में निकले ना दुआ करे, अल्लाहुम्मा अंता साहिबी फिस सफर, या अल्लाह तू मेरा रस्ते में ना साहिब है, मेरा साथी है। ये क्या है, उर्दू के साथ क्या है, या बिस्मिल्लाह पढ़ लें, औज़ुबिल्लाह पढ़ लें, कुर्सी पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें, ये सारी अपनी हिफाजत है। ठीक हो गया, मैं अपनी बात की तरफ वापसी आता हूँ कि अल्लाह से माफी मांगे। एक हमारे बुजुर्ग है वो फरमाते, तज़रत औलिया में लिखा है शेख फरीद अत्तार ने, उन्होंने कहा हुजूर ये पता कैसे चला कि अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा कबूल हो गई है। उन्होंने फरमाया जब कबूलियत की तौफीक मिल गया सबने कबूल हो गई है। तौफीक भी मिलना ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी खुश नसीबी है। अगर तौफीक नहीं मिली ना फिर ये सोचे कि मेरी बदबख्ती है कोई कि मुझे तौफीक नहीं मिली। हर वक्त अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, उसने तो बहुत बेहतरीन पैकेज दिए हुए, अल्लाह ने एक जायज वाले पैकेज देते हैं, इनकी पैकेज अनलिमिटेड होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मगर अल्लाह का जो पैकेज है ना, इनकी पैकेज सॉरी लिमिटेड होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अल्लाह का पैकेज अनलिमिटेड है, वो खत्म नहीं होता। वो क्या पैकेज, अल्लाह फरमाता है तू ऐसा कर मेरी बारगाह में आ गया ना, अब तौबा कर ले, इसके बाद वो पलट के नहीं जाना पिछली जिंदगी की तरफ। अल्लाह फरमाता है युद्ध, फिर मैं क्या करूंगा, वो तुम्हारे गुनाह गुनाह नहीं रहेंगे, वो मैं तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियां बना दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या पैकेज तेरे लिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक माँ नहीं पसंद करती है, कितना करम हुआ। एक माँ अपने बच्चों को नहीं पसंद करेगी वो मेरे आंखों के सामने या उसके साथ कोई ऐसा बुरा हो, तो अल्लाह 70 मौत से बढ़कर प्यार करता है। हर वक्त बंदे मेरी बारगाह में आ जा, बंदे जो उसको मानते हैं उसके साथ खास है जो सही, लेकिन जो उसको नहीं मानते उनको भी रिस्क दे रहे हैं। रब्बुल आलमीन है, जानों को पालने वाला, काफिर कहाँ मांगते हैं, डॉक्टर साहब काफिर नहीं मानते अल्लाह को, लेकिन फिर भी उनको दे रहा है, फिर भी उनको दे रहा है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ, ये बनी इसराइल थे ना यहूदी, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनके साथ एक बार खिताब फरमाया, तो वो कहते थे नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह हमसे प्यार करते, नऊज़ु बिल्लाह हम उसको मानने वाले, क्यों डायरेक्ट खिताब किया अल्लाह ने हमारे साथ। ये मैं दुनिया की मैं मिसाल समझाता हूँ, कोई चार पांच मुलाजिम बंदे ने घर में रखे हो ना, किसी को बोला इधर आओ भाई ये काम आप करके आओ, कहते यार आज मैंने मालिक ने खुद बुलाया है, आज मालिक सदे में उधर टोरी हो रहे हैं। हाँ जी, और बाद कहते यार कोई और होता है घर में मुलाजिम, कहते यार उसको कहो ये काम करके आए, उसको कहो ये काम करके आए, इसका मतलब है जिसको कह रहा है वो उसके करीब वाला है, और जिसको कहा जा रहा है वो दूर वाला है, जरा ये बात। तो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह ने खिताब किया ना, तो बनी इसराइल ने कहा हम अल्लाह के बड़े करीब है, ना अपना हम अल्लाह के बेटे है, तो फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको फरमा दो आप बेटे नहीं, अगर तुमने मेरे बारगाह में आना तो महबूब की पैरवी करके आना, ये आगे वाला खुलासा है। अच्छा, जो बात मैं बताना चाह रहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो तफसीर मुफसरीन सैयद मुफसरीन है, वो फरमाते हैं अल्लाह ने ईमान वालों के साथ 88 दफा डायरेक्ट खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वालों डायरेक्ट खिताब फरमाया। क्या बात, जब ये हो ना या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वालों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं फिर अपने आप को चौबंद कर लो, एक्टिव कर लो, अल्लाह डायरेक्ट तुमसे खिताब फरमाते, वो मालिक होकर तुमसे खिताब कर रहे हैं। एक दुनिया का मालिक अपने खादिम से बात नहीं करता, वो हकीकी मालिक होकर तुमसे बात कर रहे हैं। तो हर वक्त उसकी मगफरत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है, कहता तू जो कुछ मर्जी करता रहे मेरी बारगाह में आजा, मैं माफ कर दूंगा। एक शर्त रखी है, सांस लेने से पहले पहले कर ले, बस सांस ना खत्म होते रहे, सांसों से पहले पहले, जिंदगी से पहले पहले कर ले, वही आपकी बात आ गई। यानी कल पे ना छोड़े, कल किसने देखी, कल का नमाज पढ़ूंगा, कल नमाज पढ़ने वाले कब्रों में पड़े हुए हैं, ये सोचते हैं कल नमाज पढ़ लूंगा, कल तौबा कर लूंगा, ये कभी सोचा चलो कम कम से चले जाएंगे, कल दुकान खोल लूंगा, कल ये कर लूंगा, फिर वही बात आ गई इम्पोर्टेंस की। हमने इसको इम्पोर्टेंट नहीं रखा, तरजीहात हमारी कुछ बदल गई है। पहले लोग हमारे थे उनकी तरजीहात यही थी, लेकिन अब के लोग जरा आगे उनकी तरजीहात बदल गई, ये सोशल मीडिया ने हमारी तरजीहात बदल दी है। तो हमने अगर दायरा इस्लाम में रहना है तो हमारी तरजीहात भी वही हो। जब हम किसी जगह काम करते हैं, कोई इदारा हॉस्पिटल का है वहां काम करते हैं, तो सारी बातें उनकी मानते हैं ना, अगर कहीं स्कूल में काम करते हैं तो उनकी बातें,
यही लेने एडमिशन स्कूल में लेने जाते हैं तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाह बंद, आपको नौकरी से बर्खास्त निकाल दिया जाएंगे। तो हम रब की बारगाह में रहकर उसकी दुनिया में रहकर उसकी बात नहीं मानते, फिर उसने हमें चैलेंज दिया है या माशर अल जिन वल इंस सूरह रहमान में, पर मैं ऐ जिन्नो इंसानों को करो इन सितात हूं, अगर तुम्हारे पास ताकत है ना क्या करो, अंतन फुजू मिन अख्तार समावात वल अर्ध, तो जमीन और आसमान के किनारे से निकल जाओ, तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, माल दौलत ये बहुत क्या है, अपने आप की बल्ले बल्ले है, तो क्या करो जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ। ला तन फजूना इल्ला सुल्तान, फरमाया तुम जहां कहीं भी जाओगे ना बादशाह तो उसकी है ना, उसकी बादशाहत में रहकर तुम क्यों नहीं उसकी इबादत करते, क्यों नहीं उसकी बात मानते, कल भी क्यों छोड़ रहे हो, पूरा इतना मेहरबान है, तुम उसकी बात ही नहीं मानते, लेकिन रिस्क बंद नहीं करता वो, मुझे बंद नहीं करता। आपकी इस बात से जो है ना हदीसे कुर्सी जो है वो याद आई, रब्बे करीम फरमाते क्या इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को जो मेरी चाहत है तो दूंगा तुझको वही जो तेरी चाहत है, अगर तूने ऐसा ना किया जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, क्योंकि होगा वही जो मेरी चाहत है। बिल्कुल ऐसा, तो ये एट द एंड होना तो वही है, रब्बे करीम ने डायरेक्ट मतलब बात कर दी है, डायरेक्ट कर दी, ये करो वो करो, अब पूछने की जो कुछ अगर अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लोगे तो फिर मैं तुझे फिर वही दूंगा जो तू चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, अगर तू नहीं करेगा तो फिर तो तू चक्कर ही है, घूम फिर के आना तो मेरे पास। आप एक वाक्य सुनते हैं, बात की जमानत जी 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 फरमाया कि थका दूंगा। हां जी मैं उसमें थका दूंगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए थे तो कुछ सहाबा किराम में से उनको दोस्त मिलने आए, तो जब वो मिल के जरा खाना सुना खा के बाहर खड़े थे ना, आपने परिंदों को बुलाया, इधर आओ भाई, परिंदे आ गए, एक और चीज को बुलाया वो आ गए, तो साथ वाले कहने लगे हुजूर ये कैसे मकाम मिला, कहा जब से हम अल्लाह के हो गए हैं अल्लाह ने सारे मुल्क हमारे ताबे कर दिए, पहले अल्लाह का होना पड़ता है, पहले उसका बंदा पहले अपने आप को पीछे करना पड़ता है, जब बंदा उसका हो जाता है फिर वो कहता है अब जो कुछ तो चाहे मर्जी करता है, मेरा बंदा जो बन गया मैं तेरे हाथ बन जाऊं, मैं तेरे पास आया, हां फिर वो ये नहीं बात होगी कि वो दीन के खिलाफ बात करेगा, ये नहीं कि हम 80 नमाजें सारी माफ हो गई, ना 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 ना, अल्लाह वाला होता ही वो है जो इसकी नमाज माफ ही नहीं होती, वो पांच नमाजें पढ़ता शरीयत का पाबंद होता है, दाता साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है मैं जो पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ता ना वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता, वही बात आ गई है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पौन बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वह इंसान लाओना जब भी मुझसे सवाल करते मैं फौरन उसको अता फरमा देता, उसका बंदा बंदा होता है, ये सारी उसकी बख्शिश मगफरत रहमत है, रमजान का महीना भी दिया इसलिए, इसलिए दिया ना मालूम मेरे पास, इसका क्या कहेंगे आप दाखला जो है ना नहीं हो रहा, तो मैंने उन्हें कहा कि अभी मार्च में रिजल्ट आना है तो उसके बाद दाखले शुरू होंगे तो दाखला हो जाएगा, उस उन्होंने मोहतरमा ने मुझे मैसेज सेंड किया कि मुझे अल्लाह के बाद आप पे उम्मीद है, मैंने फिर फौरन मैसेज किया, मैं कहा उम्मीद चाहे मुझसे रखो लेकिन यकीन उस पे रखो, बेशक 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 यकीन उस पे रखो, जब आप उस पे यकीन करेंगे तो वो मुझे तफीक देंगे कि मैं आपके काम के लिए कोशिश करके आपका काम हो जाए। क्या बात, तो एक्चुअली लोगों ने आजकल क्या सोचा हुआ है, जैसे कि मगफरत का महीना ये अशरा है, मैं पहले भी शरसत से पीछे बात कर रहा था कि क्या खूब होगा कि अगर हम जिसका दिल दुखाते हैं उससे पहले माफी मांगे तो फिर जाके अल्लाह के हजूर बिल्कुल वैसा ही हाजिर होकर मगफरती दुआ करें तो अल्लाह बेहतर कबूल करने वाला है, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या वतीरा बनाया हुआ है कि हमने नजर साहब आपका दिल दुखाना है लेकिन मौत मेरी मदीने में हो, ये हमारी ख्वाहिश है, दिल मैंने आपका दुखा दिया, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको दुख दिया मेरी मखलूक को दुख दिया तकलीफ दी अगर वो माफ नहीं करेगा आपको तो मैं माफी नहीं दूंगा, ठीक है ना जी। और फिर जो बात हो रही थी कि आपने फरमाया कि वो बंदा दुनिया से चला जाता है और सामने फरमाया उसकी मगफरत के लिए दुआ करो, फिर अगर वो जिंदा है तो आपकी नजरों से दूर है तो आप दिल से माफी मांग लें,
अल्लाह उसके दिल में बात डाल देगा कि उस बंदे को माफ कर दे जिसने तेरे साथ ज्यादती की थी। क्या बात, तो ये बात है। हम लोग जो है ना फौरन बात वही आती है, जैसे कि जब तक मैं अक्सर एक बात, मैं ना तो आलम हूं ना मैं मुफक्कर हूं ना मैं कोई स्कॉलर हूं, लेकिन मैंने देखा कि लोग जो है ना डायरेक्ट अल्लाह की बात करते हैं। भाई मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मुझे बताया कि तेरा बाप ये है, जैसे ठीक है ना, मैंने सबसे पहले अपनी माँ पे यकीन किया फिर अपने बाप पे गया कि ये मेरा बाप है। इसी तरह अल्लाह को, अल्लाह से मगफरत हासिल करने के लिए, अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए, जब तक जिसने हमें ये बताया कि अल्लाह एक है, रब एक है, रब हमारा अल्लाह है, ठीक ना, अगर हम उस पर यकीन नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में मगफरत की कोई वैल्यूज नहीं है। क्या कहेंगे शाह जी? मैं इस पे वाकया बताता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए ना डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले अबू जहल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, सुभान अल्लाह, इस आयत के तहत मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के दो माह का सफर था, उसको बात समझ नहीं आई, शो पर गया हूँ ये वो आगे अबू बकर सिद्दीक कह रहा है, अगर कोई बंदा कहे कि मैं मस्जिद हराम से अक्सा गया हूँ रातों रात वापसी आ गया तो मानेगा? तो यार क्या बात कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। अगर क्या उसने बदल के सवाल किया, अगर ये तेरा आका पाक है तू मानेगा? अगर आका पाक मैं तुम्हें मानूंगा, मैं इससे बड़ी बात मान के बैठा हुआ हूँ। अबू जहल ने सवाल किया, इससे बड़ी बात क्या मान ली तूने? क्या है अबू जहल, मैंने इससे बड़ी बात ये मानी है, उन्होंने फरमाया अल्लाह है, हमने कहा देखा, हमने कहा है, उन्होंने फरमाया अल्लाह एक है, हमने कहा देखा एक है, हमने फरमाया हुजूर एक है। जब उनके फरमाने पर हमने अल्लाह को बिन देखे मान लिया, उनके कहने पे हमने अल्लाह को बिन देखे एक मान लिया, अब वो ये फरमाने में गया तो वो जरूर गए, जरूर मैं बात मानता हूँ। पहले हमने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ने में पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है लेकिन मानने में पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह, पहले आका पाक को माना फिर अल्लाह को माना ना, तो अल्लाह ने भी यही फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमा दो वो अल्लाह एक है, वो ये नहीं फरमा सकता अल्लाह वाहद मैं एक हूँ, ये क्यों फरमाया? आका पाक ने देखा तो बताया ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को अर्ज की थी देखना है, अल्लाह ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते, किसी ने नहीं देखा, हमारे आका पाक की बारी फरमाया महबूब तू अब खुद जाके बताओ वो एक ही है, मैं देख के आया। सुभानअल्लाह, तो हमने पहले आका पाक को माना फिर अल्लाह को माना, क्या आका पाक फिर ही मगफरत का जरिया बन सकता है। बिल्कुल, अगर आप ये इस टारगेट को छोड़ेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए कि अगर मैंने शाह साहब का दिल दुखाया तो सबसे पहले मुझे अल्लाह की तरफ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म यह है कि मैं इनसे माफी मांगूं। बिल्कुल ऐसे ही, इनसे माफी, ऐसे ना कि हुकूक की बात तो माफ नहीं हो सकते, हुकूक अल्लाह तो माफ हो सकते हैं। भाई मैंने नमाज पढ़ी है, पता है कबूल होनी कि नहीं होनी पता नहीं, लेकिन अगर मैंने शाह साहब को खुश किया है, इनकी रूह को खुश किया है, तो वो कबूलियत में चली जाती है वो चीजें। अगर मैंने किसी के साथ नेकी कर दी है, किसी का कोई काम कर दिया, किसी की कोई खिदमत कर दी है, पत्थर रास्ते से हटा दिए, तो वो आपके नामा माल में वो बख्शिश लिख दिया जाएगा, बख्शिश लिख दी जाएगी। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा। नंबर एक, वो जो हम बात कर रहे हैं मगफरत की, अल्लाह ने जहाँ भी फरमाया डॉक्टर साहब की बात से, मैं नमाज की अकीमिस्सला नमाज पढ़ो, युकीमुनस्सला नमाज कायम करो, यानी फिर मैं नमाज पढ़ो, फिर मैं कायम करो, कायम करो पढ़ना और कायम करना, और कायम करना क्या है? कायम करना मैं वही इस बात की तरफ आ रहा हूँ, एक नमाज पढ़ी चले गए, टकरे मारी हो चले गए, कायम करना ये नमाज पढ़ी, नमाज की रूह क्या है? अल्लाह फरमाता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती, इन सलात तनहा अल फहशा वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज पढ़ी, रूह क्या है नमाज की? बेहयाई और बुरे कामों से रुक जाना। अब अगर नमाज पढ़ी, बाहर जाके झूठ बोल रहा हूं, वो नमाज पढ़ी है कायम नहीं की, जब नमाज कायम की है पढ़ी है, अब झूठ ना बोलो, अब किसी का दिल ना दुखाओ, अब फाशी से रुक जाओ, बेहजाई से रुक जाओ, इसका मतलब ये नमाज मैंने पढ़ी भी है और कायम भी कर ली है, ये कायम करना है नमाज की रूह है, ये मगफरत में आएगा। अब रमजान के रोजे रखे, बस रोजा रखा, झूठ बोलता रहा,
वो ही मिलावट करता रहा, सारा कुछ करता रहा, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख और प्यास है, रोजा सवाब कुछ नहीं है, वो बस रूह निकल के रोजी को रोजा रखा हुआ है। अब वो रहमत उसकी, मगफरत उसकी क्या, जिसने रोजा रखा साथ उसके लवाजमात उसकी रूह का भी ख्याल किया, नमाज पढ़ी उसकी रूह का भी ख्याल किया, अब इसने नमाज कायम भी की और नमाज पढ़ी भी, इसने रोजा रखा भी और रूह को भी अदा किया, अब इसके लिए रहमत भी है, इसके लिए मगफरत भी है, इसके लिए बख्शिश भी है। देखें जी, अभी अभी जो रमजान पाक का महीना है जी, हमारे जो ताजर हजरात है, जो एक आने की चीज थी वो एक रुपए की कर दी है, और करके वो बेच के पता है कि मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूँ इसे, और फौरन जुमरे पे निकल गए, हाथ जुमरे पे निकल गए, मगरब की नमाज पढ़ने के लिए रोजा खोल के चले गए, और जी दुआ कर रहे हैं जी मुझे माफ। भाई तू तो लोगों का गला काट के आया है, तू तो लोगों का स्कूल बर्बाद करके आया है, तू कैसे समझता है कि तुझे, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि मुझे क्या मगफरत हो जाएगी मेरे ईसा वाले से, कि मैंने तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको दुख दिया है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं अल्लाह के हुजूर चला जाऊंगा तो मुझे अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, नहीं, मैं मुझे तो आपको जो दुख दिया है, आपको जो तकलीफ दी है, मैंने पहले उसका तो अजाला करूं मैं। डॉक्टर साहब आपकी बात मजर, यहाँ आपने बात की ना, हम एक आने की चीज एक रुपए की बेचते हैं, अब ये सवाल होता है भाई साड़ी चीज है हमने खरीदी, बिजनेस कर रहे हैं जितनी की मर्जी बेचा आपको क्या लगे, हमने चीज एक रुपए के लिए 10 रुपए की बेची आपकी थोड़ी है, हम अपने बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ मैं शरीयत की बात सिखाऊंगा, शरीयत ये कहती है, यहाँ दीनी इस्लाम हमें ये कहता है कि जितने की चीज ली है ना, इतने पैसे ना लगा लोगों की चीखें निकल जाए, बल्कि इतने पैसे लो आटे में नमक के बराबर, ताकि तुम्हारा भी निजाम चलता है, गरीब लोग चीज भी खरीद लें, हम साहब से बात है बाइकॉट कर दें। चलिए जब बाइकॉट करेंगे तो वक्त चुके करीब है, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे अशरे मगफरत के वाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन? अशरे मगफरत वाले से मैं ये पैगाम दूंगा कि यहाँ ये भी सवाल बनता है, गुनाहों का नुकसान क्या होता है, मगफरत रखी क्यों वाला ने, गुनाह है ना तो मगफरत रखी ना। एक मैं यहाँ मिसाल दूंगा, एक बंदा जहाज में हवा लैंड कर रहा है, बादल आ गया, नीचे देखने वाला ऊपर बादल आ गए, आसमान को नहीं देख सकता क्योंकि वो बादल है, बादल है। एक बंदे के पास दूरबीन है, वो बादल को चीर कर भी ऊपर देख सकता है, ऊपर से नीचे भी देख सकता है, नीचे से ऊपर भी देख सकता है, इसको सारे पता नुकसान का फायदे का। और एक बंदे के पास दूरबीन भी नहीं है, वो नहीं देख सकता, गुनाहों का नुकसान क्या है वो देखने की दूरबीन अल्लाह ताला ने हमारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो देखी उन्होंने, उन्होंने फरमाया साहबा ऐ लोगो, जब बंदा गुनाह करता है ना सिया धब्बा लग जाता है, और जब वो गुनाह करता रहता है सिया धब्बा फैलता फैलता काला सिया दिल हो जाता है, जब बंदा माफी मांगता है अल्लाह सारा दिल धो डालता है, वो धब्बा भी दूर हो जाता है, वो तौबा है, वो मगफरत है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है, वो जो सिया धब्बा लगा होता है वो दूर हो जाता है, सिया दिल साफ और शिफाफ हो जाता है। तो ये दूरबीन आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, आका पाक ने हमें बताया लोगो तुम अल्लाह की बारगाह में आओ, अल्लाह से माफी मांगो, और उन्होंने खुद फरमाया है पहला शरा रहमत है, फिर मगफरत है, फिर अफ्व है, बख्शिश है। तो प्यारे भाइयों नाज़रीन, मैं सोफ टीवी की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा मांगे। मैं आखिरी हदीस सुनाना चाहता हूँ, तफ़सीर मज़री में लिखी है काज़ी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने, ये जो दो फरिश्ते किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, अल्लाह फरमाता है ये किरामन कातिबीन जो तुम करते फिरते हो ना ये जानते हैं। हम कहीं लगा हो ना कैमरे की आंख आपको देख रही है, बड़े एक्टिव हो जाते हैं, भी ऐसा कुछ नहीं करना कैमरा देख रहा है, मगर जो अल्लाह ताला हर वक्त देख रहे हैं, जो फरिश्ते देख रहे हैं, कभी डरे इनसे, अपनी तनाई में भी देख रहे हैं। अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये फरिश्ता ना जो दाएं वाला, ये बाएं का हेड है, इसका अमीर है। जब कोई बंदा गुनाह करता है ना तो ये दाएं वाला कहता है यार अभी ना लिख, शायद ये तौबा कर ले, अभी ना लिखो, हदीस पाक है। वो फिर लिखने लगता है, अब इसने तौबा नहीं की, लिख लो, कहता नहीं नहीं अभी ठहर जाओ, शायद ये तौबा कर ले, फिर मौका मिलता है। एक नमाज का वक्त, जब दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, कहा इसने तौबा नहीं की है, लिख लो, कहा नहीं नहीं शायद ये तौबा कर ले। जब पांचों नमाजों का वक्त गुजर जाता है ना, फिर ये फरिश्ता कहता है अब तो इसने तौबा नहीं की है, अब लिख लो, कहता है हाँ अब 24 घंटे गुजर गए, अब लिखो इसके गुनाह, 24 घंटे तक मोहलत मिली है, तौबा कर, इतना कदम उसका, आए मेरी बारगाह में, आए मेरे पास, मगफरत कर दो, बख्शिश कर दो, जब भी कोई गुनाह हो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा। हम इंसान है, नसीयों से बने हैं, ये नहीं कि ये नहीं बात है मैं गुनाह करने पर तौबा कर ही लेनी, अल्लाह माफ कर देगा ना, चलो किसी ने गुनाह कर लिया, चलो मिलावट कर ली है, और दो दिन पानी पा रहे तौबा कर लाएंगे, तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि वो ना चाहते हुए। डॉक्टर साहब
क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? जी जाते जाते मैं सौ टीवी के वसातत से ये कहना चाहूंगा अल्लाह के मखलूक बस के वो सबसे पहले जो हमारे घरों में तरबियत है इस्लामी तरबियत वो ठीक होनी चाहिए। झूठ से हमें नफरत करनी चाहिए और वालदैन को भी चाहिए कि बच्चों को झूठ से दूर रखें, बचाएं उनको दूर रखें। दूसरी बात वही आती है मगफरत की कि कोशिश करें, कोशिश हतल विसा कोशिश करें कि अपने हमसायों को खुश रखें, उनका दिल ना दुखाएं, अपने दोस्तों को, अपने अहले खाना को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, इनका दिल ना दुखाएं, ठीक है ना। जैसा कि मेरा अपना मेरी अपनी एक सोच है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ दीन यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। अब ये नहीं कर सकते माँ, हाँ, वालिद को छोड़ के माँ के पीछे चलते रहे दोनों। मैं बताता हूँ वो बाप का दर्जा तो जो है ना दरवाजा है, दरवाजा है, वही मैं कहने लगा ना। तो फिर अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया कि उफ तक ना करो वालिद को। जब हम उफ करेंगे तो पढ़ेंगे नमाजें तो फिर मगफरत की भी ख्वाहिश रखेंगे तो किधर होगी। तो इसलिए उफ भी ना करें वालिदैन के हवाले से, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों बाबों को भी उफ ना करें, उनके भी दिल ना दुखाएं, अल्लाह के मखलूक के हक मसायों के गैर मुस्लिमों के भी जो है ना हकूक जो इस्लाम ने दिए हैं उनको पूरा करें, फिर ही अल्लाह से मगफरत के हम हकदार हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत मेहरबानी खूबसूरत पैगाम के साथ वफा रहती हैं, मगफरत बाद हाजिर होती हैं। अफ्तार का वक्त जो है वो बहुत ही करीब है और मेरे साथ इस वक्त दो सनाखा मौजूद हैं और दोनों से हमने नाते सुननी है और एक जो मेरे साथ दाएं जानिब तशरीफ फरमा है गुलाम कासिम कादरी और मेरे बाएं जानिब जो है आप जानते हैं हाफिज आलियान रजा कादरी, ये भी मौजूद हैं। तो दोनों से नाते सुननी है, वक्त जो कि बहुत ही कम है, इख्तसार के साथ दोनों से मैं फर्दन फर्दन गुजारिश करूंगा कि आपने कलाम सुनाना है और कलाम खूबसूरत सी आवाज के अंदर खूबसूरत कलाम, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चूंकि अफ्तार का वक्त करीब है तो आपने अशार बड़ी जाज़बियत के साथ पढ़ने और मतलब मुख्तसर जो है वो कलाम पेश फरमाए जरा। हुज़ूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान माशाल्लाह, हुज़ूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, माशाल्लाह हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, तजलियात से बलूं मैं अपना कासाए दिल, तजलियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, कहीं तो उनकी गली में कयाम हो जाए, कहीं तो की गली में कयाम हो
इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। बेशक बेशक हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से दुनिया में मेरी फिर शाम हो जाए, बला से दुनिया में मेरी फिर शाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुलाम कासिम कादरी जो कि नातरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। सूफ टीवी के वो तमाम नाज़रीन जो हमारी लाइव नशरियात देख रहे हैं, आप तमाम अहबाब के देखने का बेहद शुक्रिया, चूँकि आपकी ये मोहब्बत है और इस मोहब्बत की वजह से जो है ये ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है, रवादमा है। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत का हमारे साथ रहना ये इस बात की दलील है कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को पसंद फरमाते हैं और ये ट्रांसमिशन आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। सूफ टीवी की बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि जो अच्छी बातें हैं, दीन की बातें हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाए जाएँ और वो आप तक पहुँचाई दें। सही मानों में जो अहले इल्म है वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के बाद कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब जानना बेहद ज़रूरी हैं, वो जवाब हमारे उलमाए कराम जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप तमाम अहबाब जो सूफ टीवी की नशरियात देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब फेसबुक और इंस्टा के ऊपर आप हमारी लाइव नशरियात 5 बजे के बाद देख सकते हैं। और चूँकि चंद साहते बाकी हैं अफ्तार में, तो मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आलियान रज़ा कादरी से मुंतमिस हूँ कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी समातों का हिस्सा बनाएं। और इसी के साथ मैं अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। कुरान में बयान दिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा
رسول اللہ مولا علی کے صدقے صدیق پہ مقبہ مولا علی کے صدقے صدیق یار گار ہے ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار